हेलो गाइस, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में आप लोग देखोगे जो मैंने डोसनी की 220 वॉट की एलईडी लगाई थी उसकी थ्रो। एंड हाँ, मैं क्लिप थोड़ा टाइम बाद बना रहा हूँ, दो तीन दिन बाद, थोड़ा गैप लेके। सो एक और चीज, थार का रिव्यू मे बी जल्दी आए एंड रेड कलर की थार होगी एंड डैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड फॉर डैट। बट तब तक लिए आप देखो डोसनिक एलईडी 220 वॉट की आप थ्रो एंड मैं चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सो दिख रहा है कुछ? अब दिख रहा है, ठीक है। सो अब आया हम लाइट की टेस्टिंग करने, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है छोटी वाली, उसकी थ्रो ये है, ठीक है। थोड़ी मैंने अप की हुई है एंड इसकी येलो वाली जगहें तो ये येलो वाली, ठीक है। येलो वाली मैंने थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट की है, ठीक है। अब दोनों बंद करें और हेडलाइट ऑन करें। अब भी थोड़ी एडजस्टमेंट होनी है तो उस लिए थोड़ा मैनेज कर लो। ओके, सो दिस इज द लाइट। भाई बहुत तेज है। हाँ, अभी एडजस्ट होगी, पर ये देखो भाई। और प्लस ये जगा देना, सामने से दिखाता हूँ, दिख रहा है अंधेरा यहाँ खतरनाक वाला। और सामने से ये भाई बहुत लाइट है। मैं एक अपनी जो फेवरेट वाली है मैंने लगवाई है ये। मैं एक चीज दिखाऊं, तो ये देखो पूरा अंधेरा है यहाँ, लाइट बंद कर देना। ये देखो सिर्फ ये है, बहुत अंधेरा है भाई। सो ये है कुछ लाइट, सो ये है कुछ लाइट बाय डोसनिक। हाँ, थोड़ी सी ऊपर से मैंने ये करवाई है ना, ये तो मे भी इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़े। एक बार मैं फिर से हटवा के देख लूंगा, बट लाइट भाई बहुत तगड़ी है। बस एडजस्ट हो जाए ना, नेक्स्ट लेवल। थैंक यू वर्ल्ड कार एसेसरी फॉर गिविंग मी दिस डोसनिक लाइट विद 220 वॉट एंड 220 वॉट। भाई दिख रहा है कि भयंकर 220 वॉट की लाइट तुमने लगाई है, दिख रहा है। पीछे कुछ नहीं है, पीछे ये दो लाइट है बस, और आगे देखो आगे चमक रहा है लिटरली। और थोड़ा सा नाइट ड्राइव करके बताता हूँ आपको। बस एक बार लाइट के एडजस्टमेंट हो जाए ना भाई साहब, ये इतनी तेज लाइट है ना, मतलब ऐसे पूरी चमक रही है। और ये कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मेरे को हर एक चीज क्लियर दिख रही है। लग रहा है पता कि मैंने पैसे लगाए हैं लाइट पे तो वर्थ इट है। एंड अगेन मैं बोलूंगा, किसी को इस लेवल की लाइट चाहिए ना भाई, साहिल ने एक बार देख ली ना वीडियो, पागल हो जाएगा वो। मतलब मैं भी लगवानी उसको, 270 वॉट वाले दिलवाएंगे। किसी को ये वाली लाइट, इस लेवल की लाइट चाहिए, सो डू कॉन्टेक्ट वर्ल्ड कार एसेसरीज। मेरा रेफरेंस दे देना भाई, डिस्काउंट मिल सकता है हाँ मेरे रेफरेंस से, या फिर मेरे थ्रू मंगवाओगे तो भी मिल सकता है जैसे करना होगा। उनकी इंस्टा आईडी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे डाल देता हूँ, उनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा एंड उनका बाकी कॉन्टैक्ट नंबर एंड इंस्टा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड अपना इंस्टा का भी ऑफिस आता है भाई, मेरे को भी फॉलो करो जाके बहुत तगड़ी है। बस ये कि मेरे को एक बार एडजस्ट करवाने पड़नी है, ये थोड़ी उठवाने पड़नी है। पर लाइट भाई एक नंबर लाइट है, मजाक नहीं, एक नंबर लाइट। मतलब ऐसा होता है ना कि आजकल की गाड़ियों में बंदे अन्य करते हैं, ठीक है, वो ये वाली लाइट कर सकती है ईजिली। एंड उधर से गाड़ी आ गई है, ठीक है, हमें इतने व्लॉग करने की आदत नहीं है गाड़ी में। सो बस यही सीन था, मिलते हैं किसी, अब तो लाइट लग गई है भाई, अब तो लाइट नेक्स्ट लेवल है, अब तो ट्रिप के साथ ही मिलेंगे हाँ ट्रिप का करते हैं प्लान इसमें अपनी वैनम में। ये लाइट का थोड़ा इशू ये है कि मेरे को डैशबोर्ड खुलवाना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। चलो देखते हैं, करवाना तो पड़ेगा ही, ही, ही। चलो ठीक है। The next day. So, मैंने किया पूरा अंधेरा घर पे, लाइट मैंने एडजस्ट कर ली एंड पुलिस वाली लाइट मैंने जो है वो
बिल्कुल यहाँ सेंटर में लगी हुई है, दूर से इतनी विजिबल नहीं है, पुराने वाले ग्रिल से देखती थी। एंड दिखाऊंगा अंधेरा कितना, ये है अंधेरा। एंड अब लाइट का लेवल इतना जस्टिस नहीं होगा, बट स्टिल सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऑन अवर पार्किंग लाइट, देन एक बार करेंगे इग्निशन ऑन, वो येलो वाली लाइट ऑन। ओके, ये अंदर वाली लाइट, अब ये येलो लाइट है, ठीक है, ये वही सेम लाइट जो वाइट भी हो जाती है, ठीक है, इसको येलो पे रहने देंगे। एंड हम करेंगे अपनी वाइट लाइट ऑन, और सिर्फ ये लॉबी में येलो वाली मैं जगाता हूँ ये, ठीक है, थोड़ा बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा, बट सी भाई ये थ्रो है, जहाँ लाइट मैं बंद करूँ कोई लाइट नहीं है, ठीक है, ये कोई लाइट नहीं है, और ये है। सो एक बार ये भी देख लो, ठीक है, एंड मैंने यहाँ से की हाई वे ऑन, लाइक भाई लाइट एक नंबर है। अभी इतना जस्टिस इस वाले एरिया में नहीं हो रहा होगा क्योंकि इतनी दूर जा रही है, बट लाइट बहुत ब्राइट है। मैं एक बार सामने से दिखाऊं, एक मिनट, ठीक है, ये मेरी परछाई और ये लाइट, सामने से ये थ्रो है, नीचे हाँ ऐसी लाइट भी जगाई। एंड ये मैं फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद लाइट देखता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा देर देख नहीं सकता उसको, थोड़ा वो करना पड़ रहा है। एंड जो मैं पुलिस वाली लाइट लगाई है वो है इधर बिल्कुल सेंटर में, अभी एक थोड़ी अपराइट में इसलिए दिख रही है, अभी एक अपराइट में इसलिए दिख रही है ना, क्योंकि इसमें एक एंगल होता है। अभी यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक बार मैं बंद करता हूँ, ध्यान से देखोगे ना तो एंगल ऐसे को है और उस साइड वाला ऊपर को, सो उस वजह से ये वाली लाइट नीचे जा रही है, ये वाली लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, देखना ध्यान से, ये देखो ये ऊपर फ्लैश हो रही है और ये नीचे फ्लैश हो रही है। अब एक बार जिप टाई यहाँ से निकाल के, वैसे लगाएं जिप टाई से ही है, ठीक है, एक बार वो निकाल के लग जाएंगे तब दिक्कत नहीं है। फिर देखो ब्लू वाली यहाँ आ रही है ना और रेड वाली वो ऊपर जा रही है। एक और चीज़ की मैंने जो लाइट लगाई है पुलिस वाली, ये जस्ट वीडियोज़ के लिए है एंड छोटी मोटी गेड़ी के लिए, जैसे अपने एरिया में, बाहर मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता कि ये लाइट लगवाओ, सपोज गाड़ी सीज हो सकती है। ये लाइट मैं कभी मेन रोड पे नहीं जगाता हूँ, एंड इवन जो मैंने होटल लगाया वो भी मेन रोड पे नहीं होता है, वो भी जैसे दोस्त लोग जब गाड़ी में होते हैं, अगर मस्ती करनी होती है उसी टाइम के लिए, मेन रोड पे किसी को तंग करने के लिए ये चीज़ें नहीं लगी है। आई नो इट्स इलीगल, बट ये एज अ यूट्यूबर मतलब थोड़े से व्यूज आते हैं, बट स्टिल हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालते हैं, सो ये हमारा काम है कि आपको अवेयर करना कि ये चीज़ें मैं तो नहीं रिकमेंड करता किसी ने लगानी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे वीडियोस के लिए हो गया, फिर मस्ती के लिए हो गया, फोटोज़ के लिए, वो उस टाइम जगा लो, मेन रोड पे कोई जगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो सेम एज होटल, सो थैंक यू, करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। मैं रेड वाली भी डाउन में कर दूंगा ताकि यहाँ नीचे कोई हाईलाइट, ये देखो रेड, और मेरी पार्किंग लाइट, पार्किंग मतलब ये चेंज कराया पर तो फ़ायदा नहीं हुआ, चलो, और बस यही था। सो मैं अगेन बोलूँगा एंड सजेस्ट करूँगा कि किसी को भी इतनी ब्राइट लाइट चाहिए हो, गो फॉर इट। थैंक यू वर्ल्ड कार एसोसिएशन फॉर सेंडिंग मी दिस .NIC 220 वॉट LED, जो कि हमने आज अपनी वैन में इंस्टॉल कर दिया है, मारुति 800 में वैन में, हाँ अभी इसका। सो किसी को चाहिए कॉन्टेक्ट देम, कॉन्टेक्ट मी, जिनको करना उनको कर लो,
उनकी इंस्टा आईडी यहाँ लिख रही होगी, स्क्रीनशॉट में ऐड कर दूंगा, नंबर में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी इंस्टा आईडी, उनकी इंस्टा आईडी, उनका फ़ोन नंबर, करो कॉन्टैक्ट, मेरा नाम ले लो हिमाचल से मनु शर्मा या फिर ईशान शर्मा, मनु शर्मा से जानते हैं वैसे वो, बाकी दोनों में से एक भी नाम ले लेना ठीक है, हिमाचल से उस बंदे ने सजेस्ट किया, सो यू कैन गेट अ बिट डिस्काउंट ठीक है, अब जितना बनता उतना ही देंगे, ये तो है नहीं कि बेफालतू का देंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट डू वट एवर यू वॉन्ट, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में अपनी वैनम के साथ, ऑब्वियसली बात है। सो वीडियो आ रही 20 को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, लाइट मंगवानी तो ऑर्डर कर दो या फिर मेरे को बता दो, आई विल गो फॉर इट, एंड बाकी एक्सेसरीज भी मंगवानी है यू कैन कॉन्टेक्ट देम, एंड डॉसनिक LED ये चीज, अंधेरा है ना ब्राइट भाई, लाइट ऐसे ना मतलब पास मारने में इतना मजा आ रहा है ना, सामने जैसे कोई कमर्शियल भी का चलता है ना तो उन पे रिफ्लेक्टिव टेप होती है, उस पर ग्लो कर रही है और वो भी दिन के टाइम। मैं क्लिप अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा थोड़े बहुत रिकॉर्ड करके। सो बाय बाय, बस इतना ही आज के लिए, वीडियो में तो लगता थोड़ी सी लंबी हो गई होगी डेफिनेटली, चलो बाय बाय।